पास आज एक और नया हमारे पास बोर्ड आया हुआ है, लॉन्च हो गया है। ठीक है, देखिए कह भी नहीं सकते लॉन्च हुआ क्योंकि अभी तक तो हमारे पास ही है, लेकिन हम लॉन्च होने से पहले भी आपको दिखा देते सब कुछ। अभी हमारे पास एक कस्टमर ने मंगाया था, इसलिए हम पहले से टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक को देने से पहले हम टेस्ट करते हैं चाहे किसी भी ब्रांड का हो। काफ़ी सारे ब्रांड हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों फिलहाल एमवी कलेक्शन से हम मंगाते हैं, क्योंकि अभी तक इनका ठीक नहीं निकल रहा है सामान। जब कोई दिक्कत लगेगी तो जब देखेंगे, जब की जब, लेकिन अभी तक सभी सामान जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी तक आपने सिंगल चैनल का ही देखा होगा, बस लेकिन अब डबल में भी आ चुका है। इसमें अंदर काफ़ी सारे फ्यूचर है आपको, जैसे इसमें लगाने पड़ते थे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था क्लास डी वाले बोर्ड में। मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ लाके, सर एक मिनट रोकिए, आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का बोर्ड होता था पहले वाला एमवी कलेक्शन का, उसमें क्या था 12 वोल्ट अलग से देनी पड़ती थी इस तरह। अब इसमें क्या कर दिया, सिर्फ इसमें आपको इस वाले बोर्ड में सिर्फ आपने जो वही है 30-30 सप्लाई देनी है और अपना ये कंटिन्यू चलाना है। यहाँ पे सिर्फ ऑडियो देनी है। जय श्री राम दोस्तों, एसके व्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो होम थिएटर की तो देखी होगी, और अच्छा आपने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी दिया था। तो जो भी कमेंट हमारे भाई ने काफ़ी सारी कमेंट भी करी थी कि इस तरह से किस चेक करेंगे, तो उसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आज एक और नया हमारे पास बोर्ड आया हुआ है, लॉन्च हो गया है। ठीक है, देखिए कह भी नहीं सकते लॉन्च हुआ क्योंकि अभी तक तो हमारे पास ही है, लेकिन हम लॉन्च होने से पहले भी आपको दिखा देते सब कुछ। ठीक है, कोई लॉन्च हो नहीं। चुका है फिलहाल हाँ ये, जो है ना, अभी हमारे पास एक कस्टमर ने मंगाया था, इसलिए हम पहले से टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक को देने से पहले हम टेस्ट करते हैं चाहे किसी भी ब्रांड का हो। काफ़ी सारे ब्रांड हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों फिलहाल एमवी कलेक्शन से हम मंगाते हैं, क्योंकि अभी तक इनका ठीक नहीं निकल रहा है सामान। जब कोई दिक्कत लगेगी तो जब देखेंगे, जब की जब, लेकिन अभी तक सभी सामान जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल किसी ग्राहक के उसमें हमें डालना था, और ग्राहक ने ये कहा था, सर मुझे उसके अंदर एकदम सफाई चाहिए एम्पलीफायर के अंदर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी तक आपने सिंगल चैनल का ही देखा होगा, ये एक ही सिर्फ यहाँ पर ये वाला आपने, आप जो देख रहे हैं अभी हमारे सामने जो रखा हुआ है, लेकिन अब डबल में भी आ चुका है। इसमें अंदर काफ़ी सारे फ्यूचर है आपको, जैसे इसमें लगाने पड़ते थे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था क्लास डी वाले बोर्ड में। मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ लाके, सर एक मिनट रोकिए, आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का बोर्ड होता था पहले वाला एमवी कलेक्शन का, उसमें क्या था 12 वोल्ट अलग से देनी पड़ती थी इस तरह की। तो वहाँ पे मतलब थोड़ी सी दिक्कत ये बन जाती थी कि इसमें 12 दे ये वो लगाएं या ट्रांसफार्मर लगाएं, तो बहुत दिक्कत बनती थी मतलब। अब इसमें क्या कर दिया, सिर्फ इसमें आपको इस वाले बोर्ड में सिर्फ आपने जो वही है 30-30 सप्लाई देनी है और अपना ये कंटिन्यू चलाना है। यहाँ पे सिर्फ ऑडियो देनी है, मतलब रेडी टू वर्क है, मतलब प्ले करो और अपना काम करो। मतलब ये वाला इसमें फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें 12 वोल्ट अलग से कोई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी के अंदर ये सब चीज़ सेट है कि 12 वोल्ट इसमें अलग से देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर से सफाई आती है और क्वालिटी साउंड में एकदम नंबर 1 आती है। तो इसमें काफ़ी सारे वैसे जैसे सर दिए गए हैं इसके अंदर, जैसे आप बता रहे हैं ये चीज़, इस बोर्ड में ऐसा कुछ है कि अलग से, मतलब जो इससे डिफरेंट हो इसके अंदर। इसमें ये डिफरेंट है कि ये सिर्फ हमारा यहाँ पे एक ही चैनल का है और ये हमारे 2 चैनल का है, और ये हमारे 2 ओम्स को सपोर्ट करता है। 2 ओम्स का मतलब है 2 कॉलम इस साइड पे बजा सकते हैं डबल स्पीकर की, 2 कॉलम इस साइड पे बजा सकते हैं डुअल स्पीकर की, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक आपको 12 वोल्ट की डीसी देनी है और दोनों चैनल एक ही 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है। अब इस चैनल की ऑडियो यहाँ देनी है और इस चैनल की ऑडियो यहाँ देनी है। इस चैनल की ऑडियो आपको यहाँ ले लेनी है वापसी में, यहाँ पे स्पीकर आउट लिखा है, और इस चैनल की ऑडियो आपको यहाँ से ले लेनी है। यहाँ पे आपको इसके सप्लाई के वायर देने हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बोर्ड हम टेस्ट भी करा देते हैं पहले। ये देखिए बहुत तेज थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा देर तक हम इसलिए नहीं बजा सकते क्योंकि ये जो है ना, सब कुछ भी चाहे एनसीएसबी भी क्यों ना, कॉपीराइट आ जाता है। दोस्तों साउंड क्वालिटी बढ़िया है, जब आप पूरा बोर्ड के अंदर सेट लगाओगे, मतलब सेट के अंदर कंप्लीट कर लोगे, क्वालिटी एकदम मस्त है। और ये आउटपुट दोस्तों 500 वाट दे देता है आराम से, और ये दोस्तों 4 ओम्स को बहुत अच्छे सपोर्ट करता है, 2 ओम्स से सपोर्ट करता है। लेकिन मैं किसी भी बोर्ड को दोस्तों 2 ओम्स पे रिकमेंड करता ही नहीं हूँ कि शुरू से ही, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों टोम्स पे कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड को सही नहीं माना जाता है कायदे में। वैसे आप चला सकते हो टोम्स पे, कंपनी कहती है जिन्होंने बनाया अच्छी बात है, टोम्स पे चलाया हमने भी कोई दिक्कत नहीं आती, पर टोम्स पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता बोर्ड को। से टोम्स पे वैसे टोम्स का मतलब है एक और, मतलब एक टॉप इससे बजा रहे हैं, एक और टॉप इसके साथ जोड़ दें, तो उससे क्या मतलब है, मतलब एम्पलीफायर की इस पे कोई चलो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई ट्रांसफार्मर पे तो फर्क पड़ेगा, सप्लाई फर्क पड़ेगा, इसलिए हम दोस्तों टोम्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलते। एक ही चला सकते हैं इसके जी ऊपर, तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है, मतलब ये तो डबल चैनल इसपे है आप क्या, इसके चला अंदर तो सकते हो हैं, जाएगा। लेकिन मैं कभी भी टोम्स को दोस्तों ये नहीं करता कि भाई टोम्स चलाओ कायदे में, लॉन्ग लाइफ चाहते हैं ये बोर्ड हो चाहे ये बोर्ड हो, एक टॉप इस साइड चलाओ, दो स्पीकर का एक हाइस का और दो स्पीकर एक हाइस का साइड पे मतलब चलाओ, डबल स्पीकर चल मतलब जाएगा। दो एक एम्पलीफायर के अंदर इस बोर्ड को लगाओ और दोस्तों अपने मतलब दो टॉप बढ़िया तरीके से जानदार तरीके से बजा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब और एक्स्ट्रा नहीं ये लगा अगर सकते। आपको दोस्तों बोर्ड खरीदने हैं तो MV कलेक्शन का हम नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाके ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कितने कितने का प्राइस है। काफी अच्छे बोर्ड है, हमने यूज करके देखे, पहले चला करके देखते हैं, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे दोस्तों टेस्ट करते हैं पूरे तरह से जब भी हम कस्टमर को देते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों बिल्कुल। और एक चीज़ और दोस्तों, देखिए जो हमने अभी आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी आपको साउंड टेस्ट भी हमने इसके अंदर कराया है, तो जो भी हमें कमेंट में जरूर बता देना आप, ठीक है। और एक बोर्ड हमारे पास और रखा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसके अंदर, उसको भी हम टेस्ट करके दिखाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा उस बोर्ड के अंदर क्या है ना, थोड़ा काम रह रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है हम आपको उसकी टेस्टिंग फुल दिखाएंगे। हो सकता है हम इसी, वैसे तो देखिए आप सभी ने जो वीडियो ज़्यादातर देखी होगी हमारे इसी स्पीकर के साथ ही देखी होगी, ठीक है। तो हम इस बार क्या करेंगे, कॉलम का सेटअप लगा करके उसको चला करके देखेंगे, आपको मैं अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है। बाहर लगाएंगे सेटअप खुले में, बिल्कुल फील्ड में लगा करके आपको टेस्ट करा करके दिखाएंगे। तो जैसा भी आपको कौन सा इन दोनों में से बोर्ड अच्छा लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से शेयर कर लेना। और वैसे भी बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर की साइड भी एक बोर्ड रखा हुआ है, ये भी है सर। ये वाला कितने उसका बोर्ड है, ये वाला ये 500 वाट है, ये पहला मॉडल है अच्छा इनका। पहला मॉडल था, यही वाला है मतलब सेम से ये है। आप देख सकते हैं डिफरेंट, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंट है, मैं सेम ही 500 वाट है इसके अंदर, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। तो लगभग सेम ही, चलिए मैं आपको एक बोर्ड और दिखा देता हूँ जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो वो बोर्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए जरा इसकी आप जरा एक चीज़ और देख लीजिए, बड़े हैवी बोर्ड है यहाँ पर ये, एक ठीक है। ग्राहक ने मंगाया, उन्होंने बोला कि सर बिल्कुल इसकी ये वीडियो देखिए, जरूर बनाना, तो हम इसकी वीडियो बनाएंगे, इसी देखेंगे खतरनाक वीडियो क्या बना क्या करके आपको देंगे, है। बकायदा फील्ड में बना करके, ये क्यों सर दूसरे ब्रांड का है, ऑडियो ट्रैक के नाम से है, एम्पलीफायर कनेक्शन के नाम से। ये देखिए, इसके आप ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी इसके अंदर लगे हुए हैं, इसकी रेजिस्टेंस सब चीज़ ठीक है। डबल प्रिंटिंग यहाँ पर बोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे। इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है वो हम आपको दिखाएंगे, आपको वैसे तो इसकी फिनिशिंग से पता लग रही होगी कितना ज़बरदस्त बनेगा, वेट भी इसके अंदर काफ़ी सारा है, ठीक है। तो इसकी वीडियो मैं आपको फुल बना करके दूंगा, और फील्ड में लगा करके आपको सेटअप पूरा इसका लगा करके देंगे, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, और इस नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करना, और कमेंट में ज़रूर बताना, इस वीडियो को मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।